हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांचेज सेमेस्टर सेकंड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड कोड 2002 की यूनिट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन मीटर ब्रिज। इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा इसका अनुप्रयोग मीटर सेतु में किस प्रकार होता है वर्णन कीजिए। यानी व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है और इसके आधार पर जो मीटर ब्रिज काम करता है, मीटर सेतु काम करता है, उसको भी समझाना है, वर्णन करना है। तो इसका आंसर है पहले व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हम बताएंगे, उसके बाद में मीटर सेतु का वर्णन करेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम। तो व्हीटस्टोन सेतु चार प्रतिरोधों से बना एक विशेष प्रकार का परिपथ या सेतु होता है, जिसमें बिंदु ए व सी के बीच बैटरी या सेल जोड़ा जाता है तथा बी व डी के बीच धारामापी या गैलोनोमीटर जोड़ा जाता है। इस सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सेतु की रचना यहाँ चित्र में दिखाई गई है। तो ये हमारे पास चित्र है जिसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन रहा है। इसकी ए बी आर्म में प्रतिरोध पी लगा हुआ है, बी सी में क्यू, सी डी भुजा में अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान निकालना है हमें एस, और इस ए डी भुजा में आर्म में आर प्रतिरोध लगा हुआ है। इस तरह से चार पी क्यू आर एस प्रतिरोध होते हैं। और तो इसकी रचना का हम वर्णन करेंगे। तो इन चार प्रतिरोधों से बने सेतु को हम व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो इसकी रचना देखिए, व्हीटस्टोन सेतु की रचना चित्र में दर्शाई गई है। चार प्रतिरोध पी क्यू आर व एस को जोड़कर एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाते हैं। बिंदु ए व सी के बीच, ए व सी के बीच आप देख रहे हैं कि ये बैटरी जुड़ी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल ई, एम एफ ई और कुंजी के वन लगी हुई है, तथा बिंदु के मध्य एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई एवं कुंजी के वन के द्वारा जोड़ दी जाती है। बिंदु बी व डी के बीच एक गैलोनोमीटर जी तथा कुंजी के टू लगी होती है। प्रतिरोध पी क्यू आर तो हमें ज्ञात होते हैं, इनका वैल्यू तो हमें पता होता है, और अननोन रेजिस्टेंस जो होता है अज्ञात प्रतिरोध एस सी डी भुजा में चौथी भुजा में जोड़ दिया जाता है। कुंजी के वन को बैटरी कुंजी, ये कुंजी के टू को धारामापी कुंजी कहा जाता है। भुजाओं पी व क्यू को अनुपात भुजाएं कहते हैं। आर्म रेशियो आर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज और इसका परिपथ दर्शाया गया है। अब इसका सिद्धांत कैसे समझेंगे हम। जब बैटरी कुंजी, बैटरी के साथ लगी कुंजी के वन को दबाकर फिर के टू को दबाते हैं, दोनों को साथ दबाते हैं, फिर तो परिपथ है कि मुख्य धारा आई, करंट आई जो अपने पास है वो बिंदु ए पर पहुंचती है और ए पर दो भागों में बढ़ जाती है, आई वन व आई टू, आई वन आई टू में बढ़ जाती है। आई वन जो धारा है वो ए बी यानी पी प्रतिरोध में जाती है और आई टू जो अपने पास है प्रतिरोध आर में से गुजरती है, और I1 धारा B पर फिर बढ़ जाती है, इधर ये गैलोनोमीटर में से जाती है, और Q
प्रतिरोध में से जाती है। इसी तरह से I2 जो धारा आ रही है प्रतिरोध R में, वो D बिंदु के ऊपर दो भागों में बढ़ जाती है, तो ये अपने पास गैलोनोमीटर में जा सकती है D से B की तरफ, और अज्ञात प्रतिरोध S में से गुजरती हुई वापस ये बिंदु पर दोनों मिलती हैं, तो वापस कुल धारा I बन जाती है। तो अगर इसमें बिंदु B का विभव ज़्यादा है तो I1 जो अपने पास है B से D की ओर जाएगी, और I2 के साथ कुछ हिस्सा B से D की ओर जाएगा, और I2 के साथ जुड़ करके और इसी बिंदु पर वापस I1 प्लस I2 कुल धारा I हो जाएगी। और यदि I2 का मान यानी D बिंदु का विभव ज़्यादा है तो फिर ये D से B की ओर I2 धारा कुछ हिस्सा जाएगा, और कुल धारा C के ऊपर वापस I1 प्लस I2 हो जाएगी, यानी कुल धारा I हो जाएगी। इस प्रकार ये दो स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति है यदि B और D का विभव समान है, VB बराबर VD, तो इस स्थिति में धारामापी वाली भुजा में यानी धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति रहती है। इस स्थिति को सेतु के संतुलन की स्थिति कहा जाता है। स्पष्ट है कि परिपथ में धारा बहती है, लेकिन इस धारा का प्रभाव धारामापी वाली भुजा पर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी के जल की धारा का उसके ऊपर बने पुल या सेतु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस परिपथ को सेतु परिपथ कहते हैं। सेतु संतुलन की स्थिति में VB बराबर VD यानी B बिंदु के ऊपर जो वोल्टेज है विभव है VB, D बिंदु पर विभव के बराबर होता है, तो उस स्थिति में VA माइनस VB बराबर VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD। तो A और B बिंदु के विभव का जो अंतर है वो धारा गुणा प्रतिरोध IP, और इसी तरह से A और D बिंदु के बीच में जो विभव है वो हमारे पास I2 × R के बराबर होगा। तो ये हमने दिखाया है यहाँ I1P बराबर I2 R, और I1 / I2 बराबर P को नीचे ले जाएंगे R/P, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से B और C बिंदु के विभव का अंतर और D और C बिंदु के विभव का अंतर भी बराबर होगा, तो वो अपने पास है I1Q, वही धारा Q में चली जाएगी I1 ही, I1Q बराबर I2S, I1 / I2 बराबर S / Q, ये समीकरण नंबर 2 है। तो 1 और 2 की अगर तुलना हम करके देखें तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में I1 / I2 हैं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी R / P बराबर S / Q, या इसको हम लिख सकते हैं P को ऊपर ले जाएं S को नीचे लें तो P/Q बराबर R/S। तो ये व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज के संतुलन की स्थिति है। तो इस स्थिति में जब गैलोनोमीटर में धारा 0 हो यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, विक्षेप शून्य हो, तो P और Q भुजाओं का अनुपात के प्रतिरोधों का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। संतुलन की स्थिति होती है तो चतुर्भुज ABCD की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। इससे हम S अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं, तो S का मान निकालना होगा तो इसे P/Q को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा Q ऊपर और P नीचे, Q/P × R, तो Q P R हमें ज्ञात है, तो अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात प्रतिरोध S का मान हम इस समीकरण नंबर 3 के अंदर रख करके हम निकाल सकते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान सेतु संतुलन की स्थिति प्राप्त करके इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन बिंदु की सुग्राहिता के लिए आवश्यक है कि प्रतिरोध P, Q व R, S
की कोटि एक समान होनी चाहिए, यानी अगर पी क्यू आर एस जो अपने पास है सभी ओम में होने चाहिए या किलो ओम में होने चाहिए या मेगा ओम में, सभी की जो ऑर्डर है कोटि है वो एक ही ऑर्डर के होने चाहिए, एक ही कोटि के होने चाहिए। तो ये था सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु का। यदि धारा मापी गैलोनोमीटर में प्रवाहित धारा शून्य हो यानी कोई विक्षेप नहीं आ रहा हो, उस स्थिति में ऊपर वाले प्रतिरोधों का अनुपात पी बटा क्यू नीचे वाले प्रतिरोधों का अनुपात आर बटा एस के बराबर होता है। अब आता है मीटर सेतु। मीटर ब्रिज क्या है और ये कैसे कार्य करता है? तो मीटर सेतु एक उपकरण है जो हमने चित्र में दिखाया है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इसमें भी वही चार प्रतिरोध होते हैं, चार भुजाएं होती हैं पी क्यू आर एस, और एस की जगह हम उस तार को जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो इसकी रचना चित्र में दर्शाई गई है। तो ये हमारे पास इसकी रचना है। इसके अंदर अपने पास लकड़ी के तख्ते पर ये एल शेप के अंदर दो धातु की पट्टी लगी हुई है, बीच के अंदर एक पट्टी लगी हुई है। तो इनके बीच में जो गैप बनता है, तो एक गैप के अंदर तो हमने ये प्रतिरोध बॉक्स आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा हुआ है, दूसरे के अंदर उस तार को जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध निकालना होता है, और एसी एक मीटर कांस्टेंट इन मैग्नेट का तार होता है, और डी बिंदु और बिंदु बी के बीच में एक गैलोनोमीटर जोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो इसकी रचना को आप देखिए। रचना, मीटर सेतु चित्र में दर्शाया गया है। इसमें समान मोटाई का एक मीटर लंबा तार, ये ए व सी बिंदु के बीच में कसा हुआ है, एक मीटर लंबा तार कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार एसी होता है, जो एक लकड़ी के तख्ते पर एक मीटर पैमाना, इसके पैरेलल में एक मीटर स्केल लगा हुआ है, के सहारे कसा रहता है। तार के सिरों ए व सी पर तांबे की दो एल आकार की पत्तियां जुड़ी होती हैं, जिनके ऊपर संयोजक पेच लगे रहते हैं। इन पत्तियों के बीच एक और तांबे की पत्ती चित्र के अनुसार लगी रहती है। इस पर तीन संयोजक पेच लगे होते हैं। चित्र में अंकित बिंदु ए बी व सी क्रमशः व्हीटस्टोन सेतु के संगत चार बिंदुओं को व्यक्त करते हैं। इस पत्ती के मध्य में लगे पेच डी से एक सुग्राही धारामापी जुड़ा होता है, इसका दूसरा सिरा सर्पी कुंजी से जोड़ा जाता है। सर्पी कुंजी तार एसी के सहारे खिसक सकती है। सर्पी कुंजी की स्थिति ही तार एसी पर बिंदु बी को व्यक्त करती है, संतुलन की स्थिति को दर्शाती हैं। तो इस तरह से ए बी भुजा का प्रतिरोध हो जाएगा हमारे पास पी, और बाकी बचा तार है उसका प्रतिरोध बी सी का प्रतिरोध क्यू, और आर और एस ऊपर लगे हुए हैं। इस तरह से चार प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु की तरह ही हो जाएंगे। परिपथ व्यवस्था एवं प्रयोग विधि, चित्र के अनुसार मीटर सेतु से प्रयोग करने के परिपथ को तैयार करते हुए सेतु के प्रथम रिक्त स्थान ए व डी के मध्य प्रतिरोध बॉक्स रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं, व डी व सी के मध्य रिक्त स्थान में अज्ञात प्रतिरोध एस जोड़ देते हैं। बिंदु ए व सी के मध्य सेल जोड़ा गया है, एक धारा नियंत्रक रियोस्टेट या कुंजी के द्वारा जोड़ देते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि अपने पास ये ए और सी के बीच में जो अपने पास है ये बैटरी जुड़ी हुई है, धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है, तो ये ए सी के बीच में तो अपने पास सेल और कुंजी, और ये अपने पास धारा नियंत्रक, धारा को कंट्रोल करने के लिए जोड़ा गया है, और बी और डी के बीच में गैलोनोमीटर जोड़ा गया है। इस प्रकार सेतु की आर व एस भुजाएं तैयार हो जाती हैं। सर्पी कुंजी जब तार एसी को किसी बिंदु बी पर छूती है तो तार एसी को दो भागों ए बी व बी सी में बांट देती है, तो उनका प्रतिरोध क्रमशः पी व क्यू भुजाएं प्रदान करता है। चित्र में भुजा पी को एल सेंटीमीटर, क्यू को बाकी बची 100 सेंटीमीटर, यानी एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर लंबाई से दिखाया गया है।
प्रतिरोध बॉक्स में कोई समुचित प्रतिरोध R 1-2 ओम कितना भी ओम रख करके हम कुंजी K को बंद कर देते हैं और सर्पी कुंजी को तार AC पर दाएं या बाएं खिसका कर बिंदु B की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। जो धारामापी में शून्य विक्षेप होता है उसकी स्थिति आ जाती है। यह संतुलन के सेतु के संतुलन की स्थिति है। इस स्थिति में VB बराबर VD यानी B और D बिंदु पर विभव समान होता है। यह संतुलन की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में मीटर पैमाने पर बिंदु B की स्थिति पढ़कर तार के दोनों भाग AB व BC की लंबाई सेंटीमीटर में माप लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। माना कि तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आ रहे हैं, इसलिए AB तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इंटू L। एकांक लंबाई का प्रतिरोध R, तो L लंबाई का कितना, L इंटू R। इसी तरह से तो ये तो प्रतिरोध P का मान हो जाएगा। बाकी बचा हुआ जो तार है BC, उसकी लंबाई है 100 माइनस L, उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई का प्रतिरोध R, तो 100 माइनस L लंबाई का कितना, R गुणा 100 माइनस L, तो वो Q प्रतिरोध हो जाएगा, यानी BC तार का प्रतिरोध Q हो जाएगा। तो ये तो P बटा Q बराबर कितना आ गया, R इंटू L बटा 100 माइनस L इंटू R, R से R कट गया, तो L अपॉन 100 माइनस L। तो सेतु संतुलन की स्थिति क्या होती है, P बटा Q बराबर R बटा S, यानी P और Q भुजाओं का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात R और S के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात S बराबर R गुणा Q बटा P। तो Q की जगह तो अपने पास Q बटा P को हम लिख सकते हैं 100 माइनस L बटा L। P बाई Q हमारे पास है L बटा 100 माइनस L, तो Q बाई P कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस L तो ऊपर और L नीचे। तो ये अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस L इंटू R बटा L। यहाँ R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध है। वो कितना ओम का रखा है हमने, वो हमें पता है कि 1 ओम 2 ओम 4 ओम जितना भी हम रखेंगे, तो उससे संतुलन की स्थिति की लंबाई L और बाकी बची हुई लंबाई 100 माइनस L हम निकाल लेंगे, तो वो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो इस सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S की गणना की जा सकती है। फिर R का मान बदल करके हम प्रयोग को दोहराएंगे, तो जिससे वापस संतुलन की लंबाई अपने पास AB भुजा की लंबाई L, बाकी बची हुई 100 माइनस L हो जाएगी। और हर बार R का मान नोट करते जाएंगे और संतुलन की लंबाई L और बाकी बची 100 माइनस L निकाल लेंगे, और वो इस फॉर्मूले में रख करके हम S का मान निकाल लेंगे। और उन सभी का जब हम औसत लेते हैं तो वो हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध S आ जाता है। S का सही मान निकालने के लिए हम प्रतिरोध बॉक्स और S को आपस में बदल सकते हैं, यानी S को हटा करके प्रतिरोध बॉक्स की जगह लगा देंगे और प्रतिरोध बॉक्स को हटा करके S के स्थान पर पेचों के बीच कस देंगे और वापस प्रयोग को दोहराते हैं। तो इस बार जो अपने पास है BC जो है वो तो लंबाई L कहलाएगी और AB जो अपने पास बची हुई 100 माइनस L हो जाएगी। तो वापस प्रयोग को दोहरा करके 3-4 बार हम इस दूसरी स्थिति के अंदर भी S का मान निकाल लेते हैं और इन सभी का औसत लेते हैं, तो वो हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध S का मान आ जाता है। तो इस प्रकार इस मीटर सेतु की सहायता से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध के तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल भी है कि मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध निकालिए, या फिर प्रतिरोध आ जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालिए। तो उस तार की जो मोटाई है वो स्क्रू गेज से निकाल लेते हैं और लंबाई जो अपने पास है इस S तार की लंबाई हम स्केल से माप लेंगे खोल करके, और इसका इस S तार के ज्ञात तार की जो अपने पास है मोटाई स्क्रू गेज से निकाल करके हम इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। और वो तार हमें पता होता है कि किसका है, तांबे का है या फिर किसी और धातु का है, तो उससे हम उसकी प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड मान हमें पता है
और प्रायोगिक मान हमें पता है, तो उससे हम इसकी प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं, तो कितना एक्यूरेट मान आता है ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल है और इस व्हीटस्टोन सेतु का एप्लीकेशन भी है। धन्यवाद।